हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं 18 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। देखिए, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे कि अभी मैं करंट अफेयर्स रिकॉर्ड कर रहा था, अभी 12 बजे के बाद मैं अभी रिकॉर्ड के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अब 19 तारीख जो है यहाँ पर शुरू हो गई है और अब हम बात करने वाले हैं 18 मार्च की। तो हमने एक चीज़ क्या होती थी हमारी, हम एक दिन एडवांस में चलते थे, यानी कि 18 तारीख के करंट अफेयर्स क्या आते थे 17 तारीख के 10 से 11 बजे के बीच में आते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, हम एक दिन पीछे रह गए। ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं करी और आप में से भी किसी ने नोटिस नहीं करवाई। तो चलिए फिर कल ऐसा करेंगे, कल आपके लिए दो लेसन यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे। ये लेसन मैं शेड्यूल करने वाला हूँ सुबह 5 का, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक दोपहर या शाम को आपको एक लेसन दिया जाए, उसके बाद हम 10 से 11 के शेड्यूल पे वापस आ जाए। यहाँ पर शेड्यूल जो है काफ़ी बीच में एसएससी के चक्कर में बहुत बिगड़ गया है, तो मेरे को लगा था ट्रैक पे आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक दिन का यहाँ पर गैप चल रहा है, जो कि मैंने आज फाइनली नोटिस किया। तो लेसन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ हमारे कुछ पेड कोर्सेज के बारे में, जहाँ पर आपको यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कुछ पेड ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, प्लस आपके टाइम टू टाइम जो है टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस का एक ट्रैक रख पाएं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक जानकारी जो है पेड ग्रुप्स के बारे में ले सकते हैं। देखिए, अपना स्कोर नीचे लिखना मत भूलेगा। आज के लेसन में क्वेश्चन रहेंगे 15, 15 में से देखते हैं आप कितने सही अटेम्प्ट करते हैं कितने गलत। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका कैबिनेट है उसने अप्रूव करा है कि वो डियरेंस अलाउंस और आपका जो डियरेंस रिलीफ होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है बढ़ा दिया जाएगा। पहले 17% था, बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, अब बात करें तो इसकी, ये 17% से 21% कर दिया जाएगा। डियरेंस अलाउंस क्या होता है? देखिए, डियरेंस अलाउंस होता है जैसे सैलरी आपकी जो है किस हिसाब से बढ़ानी चाहिए। देखिए, आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपये रख दी जाए, लेकिन आज से 20 साल बाद 40,000 की वैल्यू देखिए कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है वो तो बढ़ेगी ना अपनी साइड से। आपकी सैलरी इस हिसाब से बढ़ाई जाती है तो कि महंगाई को देखा जाता है कि महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी है, तो उतने परसेंट से जो है आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं हम डियरेंस अलाउंस। तो वो परसेंटेज क्या होती है आपकी? डियरेंस अलाउंस। ऐसे हमारा होता है ये डियरेंस रिलीफ। डियरेंस रिलीफ क्या होता है? जैसे डियरेंस अलाउंस हो गया सैलरी पे, ऐसी डियरेंस रिलीफ होता है जो कि पेंशन पे बढ़ता है। ठीक, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपका जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 780 किलोमीटर। देखिए, उन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दिया कि 780 किलोमीटर जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे ग्रीन हाईवेज। कॉस्ट कितनी बताई गई उसकी? 7,660 करोड़। तो कौन से स्टेट में यहाँ पर बनाने की बात की गई है वो आपको बताना है फिलहाल। देखिए, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, जो यहाँ पर गिवन भी नहीं है। चार ऑप्शन सही है। देखिए, कभी कभी मैं ऑप्शंस होते हैं जो पांच वाला ऑप्शन होता है ना, मैं कभी देता नहीं हूँ फिफ्थ वाला। अगर आप यहाँ पर, आपका इजी तरीका क्या होता है गैस करने का, अगर आप इनमें से दो भी ऑप्शन को पकड़ पाते तो आप समझ जाते कि ऑप्शन जो है ऑल ही होने वाले हैं, क्योंकि ई ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर जो है ज़्यादातर मैं देता नहीं हूँ। तो ऑल जो आपका आंसर है, ये चारों स्टेट्स में जो आपके हाईवे बनेंगे और 780 किलोमीटर जो है यहाँ पर हाईवे की बात की गई, या तो उनको अपग्रेड किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा या फिर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ठीक, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो है ग्रीन हाईवेज। देखिए, हाईवेज एक नॉर्मल हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे वगैरह जो हाईवे होते हैं, लेकिन एक ग्रीन हाईवे में क्या डिफरेंस होता है? ग्रीन हाईवे वो हाईवे होते हैं जिनके आसपास, देखिए, एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल तो रखा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। कि मतलब ग्रीन, नाम से ही ग्रीन दिख रहा है, मतलब हरियाली, आसपास जो है आपके पेड़ पौधे सारी चीज़ों का भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन पर्टिकुलर हाईवेज पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इनमें से कौन से क्रॉप के लिए यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर, सॉरी, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2020 के सेशन के लिए। देखिए, हम बात करें तो आपकी जो कॉपरा क्रॉप होती है ना, उसके लिए यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2020 के सीजन के लिए। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको जाननी है। कोपरा क्या होता है वो आपको भी पिक्चर दिखा दूंगा उसके नेक्स्ट स्लाइड में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका वो प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट जो होती है ना वो क्रॉप्स को खरीद लेती है फार्मर से, जिससे कि फार्मर का कोई नुकसान ना हो। तो आपका मिनिमम सपोर्ट, आपको यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नाम याद रखने वाली ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट मतलब कम से कम सपोर्ट का वो प्राइस देना, यानी कि फार्मर को वो वाला प्राइस तो मतलब मिल ही जाए जितने में उसकी जो लागत आती है। ठीक, तो उस पे जो है आपकी जो गवर्नमेंट है उस पे क्रॉप्स खरीद लेती है फार्मर से, और आपकी जो कोपरा होती है वो ये होती है। देखिए, कोपरा क्या होता है? कोपरा आपका सूखा नारियल होता है,
सूखा नारियल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया नंबर वन है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में और प्रोडक्टिविटी के मामले में सूखे नारियल में। तो कोपरा के लिए आप याद रखिएगा, कोपरा के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होती है वर्ल्ड में। तो जब भी आप देखते हैं कि जो हमारे त्यौहार होते हैं, राखी हो गई, भैया दूज हो गए, ऐसे बहुत सारे जो हमारा त्यौहार होता है उसमें ये इस नारियल का, सूखे गोले का काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से कौन सा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया आफ्टर नाना शंकर सेठ। देखिए, यहाँ पर सेंट्रल नाम आया तो सेंट्रल से एक चीज़ और बता दूँ, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था डियरेंस अलाउंस वाला, तो उसमें जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, देखिए वो स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही थी, वो जो स्कीम है डियरेंस अलाउंस बढ़ाने वाली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए थी। ठीक, वो चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कौन सा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अब रखा गया नाना शंकर सेठ के नाम के ऊपर, तो वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम अब यहाँ पर किसके नाम के ऊपर रखा गया, नाना शंकर सेठ के ऊपर। अब ये जान लीजिए कि नाना शंकर सेठ कौन थे। देखिए, नाना शंकर सेठ वो थे जिन्होंने बनाई थी आपकी इंडिया इंडियन रेलवे एसोसिएशन, फिर जिससे कि जो है वो इंडिया में रेलवे को ला सके, रेल को जो है इंडिया में ला सके, ये उनका ही आइडिया था और ये सारी मेहनत भी उनकी थी कि उन्होंने कन्विंस किया किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को कि वो रेलवेज़ को जो है इंडिया में भी लेकर आए। तो ये सारा प्रपोजल जो था, देखिए हमें इतना पता है कि लॉर्ड डेलाउसी जो है उनको फादर बोला जाता है रेलवेज़ का, राइट। लेकिन जो ये सारा प्रपोजल था, ये सारे एफर्ट्स जो थे कि हमारे इंडिया में भी लाई जाए रेलवेज़, ये इन्हीं के थे, तो इन्हीं के नाम के ऊपर जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपको उस इंडियन स्टेट का नाम यहाँ पर बताना है जो कि 33 नए स्टेडियम जो है पूरे स्टेट में बनाने वाला है अंदर उत्तरण स्कीम, उत्तरण स्कीम के तहत। यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो आपका करेक्ट आंसर है असम। असम में जो है अब आपको नए 33 स्टेडियम्स देखने को मिलेंगे पूरे स्टेट में। कौन सी स्कीम के तहत, वो ज़रूर याद रखिएगा, उत्तरण स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना अमाउंट जो है मनरेगा के तहत खर्च किया गया है। मनरेगा एक्ट जो है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो है 2017 से 2020 इन 3-4 सालों में जो है खर्च किया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर है 1.83 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है। इतना अमाउंट जो है खर्च किया गया मनरेगा के तहत। मनरेगा अब तो हर किसी को पता होना चाहिए, स्कूल में भी हमारे जो SST हमारा जो सब्जेक्ट होता था सोशल स्टडीज़, उसमें भी कई बार पढ़ाया गया है। मनरेगा वो एक्ट है, वो स्कीम है जिसके तहत जो है हर साल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोमिस करती है कि वो 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करेगी, ठीक, पुअर लोगों को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंजीनियर सारे जाके जो है वहाँ पर लाइन लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है येस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020, जो कि RBI के द्वारा प्रपोज की गई थी येस बैंक के लिए। जैसे कि आपको पता है येस बैंक बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया था, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट के लिए एक स्कीम निकाली गई थी RBI के द्वारा। तो इसमें से कौन सा बैंक जो है लीड करेगा इस प्रपोज बैंक को? देखिए, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हमने पूरा चीज़ समझी भी थी कि 49% जो है अब इसका शेयर जो रहेगा वो किसके पास रहेगा, SBI के पास रहेगा, और 3 साल तक जो है उसको रखने ही पड़ेंगे कुछ परसेंट शेयर। अगर आपको परसेंट याद है कि वो 23 थी, 26 थी, 19 थी, 17 थी, वो परसेंट अगर आपको याद है कि 3 साल तक के लिए कितनी परसेंट के जो उसको शेयर से होल्ड करने पड़ेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपको उस पर्सन का नाम यहाँ पर बताना है जिनको अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। येस बैंक के नए CEO और MD कौन है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि येस बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। कितने दिनों से आप, करीबन 15-20 दिन तो अब हो ही गए, लगभग महीना ही हो गया कि येस बैंक की बार बार कोई ना कोई नई नई न्यूज़ जो है, नए नए पॉइंट जो आए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके MD CEO का नाम आपसे पूछने के जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपको सिटी का नाम यहाँ पर बताना है जहाँ पर आपका थर्ड एडिशन ऑफ वियोन वर्ल्ड इन वन न्यूज़ ग्लोबल समिट 2020 जो है, इसकी थीम यहाँ पर क्या बताई गई, नेविगेटिंग एंड नेगोशिएटिंग ग्लोबल इंपेरेटिव्स। ये कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, फिलहाल इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ था दुबई UAE में। अब जान लीजिए वियोन के बारे में। तो देखिए, वियोन क्या है, वियोन जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, ठीक है, वियोन इंडिया का ही इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हो सकता है इनडायरेक्ट आपसे पूछ ले जाए कि इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल कौन सा था, तो वो है वियोन वर्ल्ड इन वन न्यूज़।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विंग्स इंडिया 2020 जो कि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है, जिस जो किस पर बेस्ड था, फ्लाइंग फॉर ऑल थीम पर, तो ये कौन सी इंडियन सिटी में हुआ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो आपका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में ये जो है हुआ है। फ्लाइंग फॉर ऑल से आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये एरोप्लेन से रिलेटेड है। तो ये पूरे की पूरे इसमें जो है बात की गई इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली सिविल एविएशन सेक्टर की ही। ठीक, ये हुआ कहाँ पर था अगर हम एग्जैक्टली जाने, तो ये हुआ था आपका बेगम पेट, एक एयरपोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पर ये जो है आपका एग्जीबिशन और जो कॉन्फ्रेंस है वहीं पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो आपका न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है ऑफ ट्री हॉपर, इसका नाम जो है कौन सी सेलिब्रिटी के ऊपर जो है रखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है डी, लेडी गागा। अब देखिए इस ट्री हॉपर का नाम पता नहीं इनके ऊपर क्यों रखा गया, मुझे समझ नहीं आया, इन दोनों की शक्ल भी कहीं से नहीं मिलती है, पता नहीं क्यों रखा गया, लेकिन जो भी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी था कि किसके ऊपर रखा गया, वो रखा गया लेडी गागा के ऊपर ही इसका नाम जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको जो साइंटिस्ट हैं ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिसर्च सेंटर, आपको बता रहे हैं इनमें से कौन से रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डेवलप कराए कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो कि रिसीव करता है सोलर रेडिएशन को और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट में टारगेटेड एप्लीकेशंस के लिए, जो कि मेनली अगर मैं आपको अभी बता दूं आंसर से पहले, वो मेनली है किस लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो साइंटिस्ट कौन से रिसर्च सेंटर के हैं, तो वो आपका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक, यही के साइंटिस्ट ने जो है आपका ये सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इसको जो है इसको डेवलप किया है, मेनली इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च करा आपका भूमि राशि पोर्टल, तो ये भूमि राशि पोर्टल जो है लॉन्च किया गया आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें भूमि राशि पोर्टल की, देखिए अब पहले क्या होता था मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे अगर आपने गजनी मूवी भी देखी होगी, तो वहाँ पर क्या होता है उनको एक पर्टिकुलर घर चाहिए होता है, राइट। तो वो घर क्या होता है, वो अब अगर आप में से लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, नहीं तो जनरली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे गवर्नमेंट को नेशनल हाईवे बनाने होते हैं। अब नेशनल हाईवे ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट को रात को सपना आता है कि वहाँ वहाँ सारी सड़कें खाली है, आप वहाँ सारी सड़कों पर जाकर जो है हाईवे तैयार कर दीजिए। देखिए ऐसा इतना ईजी होता नहीं है हाईवे बनाना, होता क्या है रास्ते में बहुत सारे झुग्गियाँ होती है, घर होते हैं, तो उन सबको भी खाली करवाना पड़ता है, उन सबको जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भैया आप अपना घर जो है कहीं और शिफ्ट कर लो, आप हमसे इसके बदले जो है कंपनसेशन ले लो, आप हमसे पैसा ले लो, ये जो है इसका प्रोसीजर रहता है। ये पहले पहले रहता था ये प्रोसीजर, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी कि वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उनको डेटा के लिए जाना पड़ता था, कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा जो है चक्कर लग जाया करते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कंपनसेशन देने में लोगों को। तो अभी क्या किया, यहाँ पर ये जो भूमि राशि पोर्टल है ना, ये भूमि राशि पोर्टल लाया गया है। अब क्या होगा, इस भूमि राशि पोर्टल पे सारा का सारा जो प्रोसीजर है इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, आपका जो कंपनसेशन होगी ये इसी के तहत जो आपके सीधा जो 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 रास्ते में घर वगैरह जिनके जो घर खरीदे जाएंगे उनको कंपनसेशन जो है सीधा बैंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, और सारा जो प्रोसेस है इसका, ये एक्विजिशन वगैरह का, कि मतलब कंपनसेशन हो गया आपका, जो ये बातचीत है, ये सारा प्रोसीजर जो है अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा भूमि राशि पोर्टल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको उस इंडियन उस टीम का यहाँ पर नाम बताना है जिसने जीता है रणजी ट्रॉफी टाइटल 2019-2020 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी टाइटल जो जीता है इस साल बेसिकली, तो वो जीता है सौराष्ट्र ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पाई डे जो है वो सेलिब्रेट हर साल किस दिन किया जाता है। पाई, ये स्कूल में हमने पढ़ा होगा, ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो थोड़ा सा खतरा है, मैं इसकी पूंछ बना देता हूँ, थोड़ा मज़े ले लेता हूँ इसके। देखिए ये जो पाई है इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है और इसको मनाया जाता है 14 मार्च को हर साल। और पाई डे की अगर हम बात करें तो देखिए पाई डे 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, अगर हम देखें इसको मंथ के और डे के फॉर्मेट में, तो ये क्या आता है आपका 3/14 आ जाता है, राइट। 3 मार्च, 14th डे, तो ये 3/14 के हिसाब से जो इसको लिया गया, इसी दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी फॉर्मेट में पाई की वैल्यू में, कि जो ये बेसिकली 3/14 की वैल्यू में है, तो इसलिए स्पेशली जो है 14th मार्च को जो चुना गया। अभी इन्होंने ऐसे उल्टा क्यों चुना मुझे नहीं पता, क्योंकि 14th मंथ नहीं होता है, तो शायद इसलिए इन्होंने पहले मंथ का फॉर्मेट ले लिया फिर डे लिया है। तो आपको मेन याद रखना है, आपको जो भी है मेरी टेक्निकल बातें ना भी समझ आ रही हो, अजीब सी मैं बातें कर जाता हूँ कभी कभी, तो 3/14 आपको याद रखना है, इसी वजह से जो है मेन दिन चुना गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, देखिए आपका जो 14th मार्च है वो
जो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका भी बर्थडे जो है 14 मार्च को ही होता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिली कि पाई डे जो है वो 14 मार्च को माना जाता है और आपका जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बर्थडे है वो भी 14 मार्च को ही जो है होता है। तो चलिए लेसन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ये अब तो यूज डजेंट मैटर, क्योंकि देखिए हमने जो PDF है जो उसको थोड़ा पेड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो है इस कोर्स को जारी रखा जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता कि ये कोर्स 1 महीने चला, 2 महीने चला, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ऐसा ज़रूर होता अगर वो PDF को पेड नहीं करते। मे बी कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि कोर्स को हमें लॉन्ग टर्म तक चलाना है। और जिसको वैसे भी, एक बात है, जिसको वैसे भी पढ़ना होगा तो वीडियो के थ्रू भी पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होगा उसको PDF दे दो, वो तब भी नहीं पढ़ेगा। तो बस लेसन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।